Hello and welcome to channel guys. This is the ninth lecture of this series. इसके पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसमें से लगभग 116 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो काइंडली आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करें और वहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करें। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 से। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ केस वर्क। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केस वर्क की इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है। फर्स्ट दिया है इंटरव्यूइंग, सेकंड ऑब्जर्वेशंस, सी काउंसलिंग एंड डी इज लॉबिंग। सो एज वी नो दैट द टेक्निक ऑफ केस वर्क इज इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्वेशन एंड काउंसलिंग। सो ऑल दीज थ्री आर द टेक्निक ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल केस वर्क एंड द लास्ट लॉबिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ केस वर्क। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। वाइल वर्किंग विद एन इंडिविजुअल क्लाइंट ऑन वन टू वन बेसिस द रिलेशनशिप इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ जो सोशल वर्कर होता है काम करता है वन टू वन बेसिस पे, तो उस रिश्ते को क्या बोलते हैं। क्या यह एक फ्रेंडली एसोसिएशन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है या फिर पर्पजफुल टू मीट साइको सोशल नीड ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की जो मनोसामाजिक नीड्स होती हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरे करने के लिए ये पर्पजफुल मीट है या फिर ये सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट है। तो आपको बताना है इनमें से कौन किस प्रकार का रिलेशन है जब भी कोई सोशल वर्कर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के इंडिविजुअल क्लाइंट के वन टू वन बेसिस पे उससे संबंध बनाता है। तो बेसिकली ये ऐसे बोलते हैं। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द मेन बेसिस ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। बताना है कि हमारे देश में जो एक वेलफेयर स्टेट है तो उसके जो मेन बेसिस होते हैं इनमें से कौन कौन से हैं, कौन सा है, या चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा मेन बेसिस है हमारे देश का एज ए वेलफेयर स्टेट। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट, क्या ये बेसिस है वेलफेयर स्टेट का। ऑप्शन नंबर भी दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इज अ बेसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ बेसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट, या लास्ट ऑप्शन दिया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द बेसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो आई होप आपका इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, DPSP। DPSP के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो DPSP होते हैं वो हमारे जो इंडियन सिटीजन होते हैं उनके सोशल एंड इकोनॉमिक राइट को डील करते हैं, और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो पॉलिटिकल राइट से डील करते हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया कि वेलफेयर स्टेट के बारे में, तो बताना है कि जो बेसिस है DPSP है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 120। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज कंट्रीब्यूटेड एक्सक्लूसिवली इन द एरिया ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। चार ऑप्शन दिए हैं, चार इसमें आपके ऑथर के नाम दिए हैं। बताना है आपको कि सोशल ग्रुप वर्क के लिए, सोशल ग्रुप वर्क के एरिया में किसका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑथर्स के नाम दिए हैं, फर्स्ट ये दिया है हॉलिस, बी दिया है मरी रॉस, ऑप्शन सी दिया है ट्रैकर एंड ऑप्शन डी इज पर्लमैन। सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकर। ट्रैकर ने काफ़ी कुछ योगदान किया है सोशल ग्रुप वर्क में, सोशल ग्रुप वर्क के एरिया में। सो राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 121। साइको एनालिटिकल थ्योरी अबाउट ह्यूमन पर्सनालिटी वाज प्रपोज्ड बाय। ह्यूमन पर्सनालिटी को लेकर के एक साइको एनालिटिकल थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज कार्ल जंग, बी दिया है स्किनर, सी दिया है सिगमंड फ्रॉड, या फिर डी अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दी गई। सो राइट आंसर इज सिगमंड फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड के द्वारा ह्यूमन पर्सनालिटी को लेकर के एक थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी प्रपोज की गई थी। सो राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 112। द बुक सोशल डायग्नोसिस इज ऑथर बाई, ये जो बुक सोशल डायग्नोसिस थी किसके द्वारा लिखी गई थी। चार ऑप्शन दिए हैं, मोरी रोज, बी मैरी रिचमंड, सी फ्रेड लैंडर एंड डी इज हेलन पर्लमैन। सो आई होप ये दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन एंड आई थिंक ये आपको आना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैरी रिचमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 123।
पीपल्स नीड अकर इन दी असेंडिंग ऑर्डर द व्यू वाज प्रपोज्ड बाय, जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में अकर होती हैं। तो ये जो किसके द्वारा, ये जो व्यू था किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, फ्रॉड के द्वारा या वॉटसन के द्वारा या फिर मसलो के द्वारा या जंग के द्वारा। जैसे कि इसमें ये इस थ्योरी बताया गया था कि जो लोग होते हैं उनकी जो नीड्स होती है वो एक बढ़ते क्रम में होती है, अर्थात पहले जो उनकी बेसिक नीड होगी, फिर उनकी जो डिजायर होंगी, फिर उनके बड़े जो गोल होंगे, इस प्रकार से एक असेंडिंग ऑर्डर में उनकी जो नीड्स होती है। इसके बारे में किसने बोला बताना है आपको। सो आई थिंक इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज मैस्लो के द्वारा ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया था पीपल्स नीड के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 124, मीन मोड एंड मीडियन आर, ये क्या मेजर करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी या कोरिलेशन या डिस्पर्जन या टाइम्स सीरीज। सो आई थिंक इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज द मीन मीडियन एंड मोड विच मेजर दी सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, रेगुलेशन 1829 ऑफ लॉर्ड बेंटिक बाज इनेक्टेड, आपको बताना है कि जो 1829 में लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे ये रेगुलेशन एक्ट लाया गया था तो वो किसको लेकर के था, सती प्रथा को बैन करने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है विडो मैरिज को इनकरेज करने के लिए, री मैरिज को इनकरेज करने के लिए, या फिर चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आई थिंक इसका आंसर आपने सोच लिया होगा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा को बैन करने के लिए लॉर्ड बेंटिक के द्वारा टाइम पर एक रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1829। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 126, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं असर्शन रीजन्स, आपको बताना है कि असर्शन सही है या रीजन सही है या फिर दोनों सही हैं, और जो रीजन है दैट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज और नॉट। सो असर्शन में दिया है कि जो पुअर लॉ वर इनेक्टेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पुअर लॉ को इनेक्ट किया गया था, इंग्लैंड में लाए गए थे पुअर लॉ, तो ये बात सही है एकदम, तो इसका जो फर्स्ट होगा असर्शन सही है। नाउ सेकंड इसका रीजन दिया है, ये जो इंग्लैंड में जो पुअर लॉ लाए गए थे इसका रीजन दिया है कि द पुअर टू हैव बेटर वर्किंग कंडीशन, जो पुअर है उनकी बेटर कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन थी उनको अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए उनको मदद मिलती इस लॉ के आधार पर, तो ये इसका रीजन दिया है। सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो असर्शन था वो भी सही था, और इसका जो रीजन दिया है कि जो पुअर लोग थे उनकी कंडीशन को, उनकी जो वर्किंग कंडीशन उनको ठीक करने के लिए ये लाया गया था, तो ये भी सही है, और जो रीजन है राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 127 क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस होती है दैट इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, बताने में से कौन सा जो सिस्टम है वो इस इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस को दिखाता है, द क्लाइंट सिस्टम, द चेंज एजेंट सिस्टम, एक्शन सिस्टम और एजेंसी सिस्टम। सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा एंड द राइट आंसर इज, इसमें जो जिस प्रकार से सिस्टम दिए गए हैं वो सभी के सभी एक इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस को दर्शाते हैं, जैसे कि एजेंसी सिस्टम हुआ, एक्शन सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, क्लाइंट सिस्टम आल्सो पार्ट ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस एंड दी चेंज एजेंट सिस्टम इज आल्सो इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस। सो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, सो इसका डी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इसमें आपको प्रोफेशनल सुपरविजन इन सोशल वर्क इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, अगर सोशल वर्क की बात करें, समाजकार की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रोफेशनल सुपरविजन होता है वो उसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। चार स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके, या फिर मेकिंग श्योर दैट द सुपरवी डज नॉट मेक अ मिस्टेक्स, या जो सुपरवी है सुपरवाइजी है वो किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करता है। सो आई थिंक ये ऑप्शन जो रॉन्ग है, कोई भी जो सुपरवाइजी होता है वो आइडल नहीं होता है, मिस्टेक्स करेगा ही, एंड ऑप्शन इससे अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है हेल्पिंग दी सुपरवाइजी एक्वायर सोशल वर्क नॉलेज स्किल एंड वैल्यू,
एंड ऑप्शन डी है रिफ्लेक्टिंग वेदर सुपरवाइज एंड टू बी अ गाइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात की गई थी प्रोफेशनल सुपरविजन की, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी द गाइड इन दी सोशल वर्क, तो इसका डी सही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जो सेकंड एलिमिनेट हो गया था और डी इसका सही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा सही होगा। सो राइट आंसर इज इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं ये डी सही है, इसमें डी और डी किसी में है भी नहीं चार ऑप्शन में, तो जो डी ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 129 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर जो नीचे असेसमेंट रीजन दिया है उसके आधार पर आपको आंसर बताना है। असेसमेंट दिया है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क हैज़ नॉट टेकन रूट इन इंडिया, और इसका रीजन दिया है कि जो पुअर होते हैं, पुअर आर टू पुअर टू पे फॉर द सर्विस, सर्विस को पे करने के लिए जो इंडिया में जो पुअर लोग हैं बहुत ज़्यादा ही पुअर हैं, वो सर्विस को पे नहीं कर सकते। तो क्या ये सही है, क्या असेसमेंट भी सही है? तो इसमें आप असेसमेंट देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है इंडिया में अभी इतना अच्छा, उसके जो रूट हैं इतने अच्छे नहीं है, मजबूत नहीं है, अच्छे पूर्ण रूप से नहीं आया है, तो ये सत्य है, असेसमेंट ठीक है। और उसका जो रीजन दिया है कि पुअर आर टू पुअर टू पे द सर्विस, ऐसा नहीं है सभी लोग पुअर नहीं है, सम पीपल कैन इजली पे फॉर द सर्विस, सो ये जो रीजन है वो गलत है, इसमें फर्स्ट यही सही है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में, और आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।